बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। पार्ट में लिखेंगे आसान वर्डिंग में इंग्लिश के कुछ हरूफ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूरेबल, डी से स्टार्ट करते हैं। डी कैसे लिखना है? मार्कर को जब भी पकड़ना है तो ऐसे स्ट्रेट, ऐसे नहीं और उर्दू की तरह ऐसे भी नहीं, सिर्फ स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट पकड़ना है और फिर उसके साथ लिखना है उल्टा करके भी ऐसे। तो डी लिखा है ऐसे, सिंपल सा है डी, सीधी लाइन लेके आनी है, इधर से ब्रीक लेके इधर से गढ़ाई करनी है मोटा और इधर से फिर ब्रीक कर देना है, ये डी बन जाएगा। डी आगे यू, ऐसे मोटा सा कट लेके आना है इधर से, इसके साथ मिला के फिर इधर से गोल कर देना है डी यू। आगे लिखना है आर, स्ट्रेट नीचे और ऐसे। ठीक है, इसको इधर से थोड़ा सा गोल करेंगे इतना मोटा सा। आगे ए, ए भी बिल्कुल सिंपल सा है जैसे ये लिखते हैं सी की तरह, आर ए। आगे बी, एल बिल्कुल सिंपल है, ऊपर से स्ट्रेट मोटा लेके आना, इधर से गोल करना है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर को कर देना है। ठीक है, आगे ई लिखेंगे, ई मैंने बताया था ऐसे सी लिख के इसको सेंटर से मिला देना है, ये ई बन जाएगा ड्यूरेबल, कंफर्टेबल। सी ओ जो है ना पहले वाला हरूफ वो बड़ा है, वो थोड़ा सा दो लाइनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेट इधर से देखें, सी ऊपर वाली लाइन से सेंटर से स्टार्ट किया है, या डी भी ऊपर से करना था लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। सी इसको नीचे करके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डॉट लगाना है ताकि ये सी बन जाए। ठीक है, और कंफर्टेबल कैसे लिखना है? सी ओ, इसको सी बना के इसको फिर उल्टी इस तरह सी में लाना है ताकि ये बंद हो जाए और ओ बन जाए, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको ज़्यादा सी ओ एम। एम का मैंने बताया था तीनों डंडे हैं, इधर से ब्रीक होगा, इधर से ब्रीक होगा, इधर से ब्रीक, बाकी ये मोटा होगा। ठीक है, कंफर्ट। एफ लिखना है तो इधर से थोड़ा सा टेढ़ा कर दो से ऐसे कट, सी आगे, फिर ओ लिखना है, कंफर्ट। आर लिखना है, आर इधर से थोड़ा सा मोटा करना है, कंफर्ट। आगे टी लिखना है, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है। ठीक है, इधर से थोड़ा सा गोल कर देना है, इधर से ऐसे निशान लगा देना है, इसमें कट लगा देना है। आगे ए लिखेंगे जैसे सी लिखते हैं, इसको फिर दोबारा सी लिखेंगे इसके आगे, तो ये ए बन जाएगा ए। आगे बी, हाँ जब भी बी लिखना है इधर से ब्रीक और इधर से ब्रीक, जब इसको मोटा करना है इधर से गोलाई में करना है तो इधर से थोड़ा ज़्यादा मोटा हो, इधर से ब्रीक, इधर से ब्रीक, इधर से फुल ब्रीक, ये बिल्कुल सिंपल है। आगे लिखना है ई, कंफर्टेबल। ठीक है, आगे लिखेंगे लाइट, पहला हरूफ मैंने बताया था डेढ़ लाइन में लिखना है, ऊपर लाइन से हाफ स्टार्ट करना है। एल आई, इसके ऊपर डॉट लगाना है, जी आगे एच लिखना है, एच के इधर से ब्रेक इधर से ब्रेक, जी लिखना है जैसे ए लिखते हैं बना के ए, नीचे से सीधा लाइन लेके इधर से गोल कर देना है, ये जी बन जाएगा एच। आगे टी लिखेंगे, लाइट, आगे लिखेंगे वेट, W इसके साथ ही ऐसे मिलाते जाना है, W E I
आगे फिर लिखेंगे ए, ए लिखा गया, अब इसको जी बना देंगे, जी एच, लाइट वेट, इसके इसके साथ टच कर देंगे। देखें ऐसे अगर आप लिखेंगे लिखाई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आपको इम्तिहानात में लिखाई के बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, आम रूटीन से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे हम फुटवियर। फुटवियर कैसे लिख रहे हैं, इधर से स्टार्ट किया, एफ डबल ओ लिखना है, ठीक है, टी डब्ल्यू ई ए आर फुटवियर। देखें ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, फुटवियर। आगे लिखेंगे आ, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, सी ओ एन सी, ओ सॉरी ई लिखा गया, चलें कोई बात नहीं, इनके वर्ड ही लिखना है, ई लिखा गया है, आगे पी लिख देंगे फिर, कॉनेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखा था। आगे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, सी के वर्ड यूज करते हैं आज, सी ओ एम पी एन ई कॉम्पल, आगे जगह थोड़ी थी इसलिए कॉम्पल लिखा गया, ठीक है। आगे लिखेंगे रजिस्टर। रजिस्टर कैसे लिख रहे हैं, आर लिखेंगे बड़ा, ऊपर से ब्रेक इधर से गोल करके इधर सेंटर से इससे थोड़ा सा इसको बैजी शक्ल बनाएंगे, आर ई जी आई एस, एस लिखना है ऐसे, टी ए आर रजिस्टर। यह था आज का लेसन, ठीक है। पहले दोस्तों अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसके साथ अटैचमेंट में रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।